खरगोन जिले के कसरावद उत्कृष्ट विद्यालय में अजय कुमार रामदेव, जो कि एक सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, इनके द्वारा विज्ञान की नवाचार क्लास लगाई गई, जिसमें बच्चों को बेहद सरल और मजाकिया अंदाज में विज्ञान के बारे में बताया गया। अजय कुमार नारामदेव द्वारा बताया गया कि यदि हम शिक्षा में बदलाव करें और बच्चों को प्रैक्टिकली और सरल भाषा में पढ़ाया जाए तो बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। मेरे क्लास में 4 घंटे में किसी भी बच्चे ने छुट्टी नहीं ली और बेहद उत्साह उत्सुकता के साथ पूरा समय क्लास को दिया। नारामदेव का कहना है कि विज्ञान की जानकारी से समाज में फैले अंधविश्वास को भी दूर किया जा सकता है। यह बच्चे अपने परिवार में विज्ञान के चमत्कार बताएंगे, जिससे कोई उनके परिवार को अंधविश्वास फैलाकर धोखा नहीं दे सकता। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। मैं सेवानिवृत्त प्राचार्य हूँ और मैं अपने आप को गर्व से वैज्ञानिक कहता हूँ और पिछले 40 साल से मैं विज्ञान पर बहुत सारे नवाचार मैंने किए हैं। रिटायरमेंट के बाद मैं रोजाना एक स्कूल में जाकर के किस प्रकार से विज्ञान पर कार्यशाला और शिक्षा गुणवत्ता पर मैं बच्चों से बात करता हूँ। बहुत सारे यंत्र मैंने अपने साथ अपनी गाड़ी में रखे हैं, माइक सिस्टम भी रखा हुआ है और वहाँ मिडिल प्राइमरी के भी बच्चों को बुला लेता हूँ और 4-5 घंटे की मेरी ये कार्यशाला रहती है। पिछले 2 साल से मैं अलग अलग गांव में बगैर बताया जाता हूँ शहरों में गांव में जाकर के विज्ञान को रुचिकर बनाने के लिए मेरा प्रयास है। खासकर हमारे अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के बच्चे विज्ञान से डरते हैं, वो विज्ञान लेते नहीं हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को जब विज्ञान रुचिकर लगेगा तो वो जरूर विज्ञान लेंगे, वो भी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। साथ ही मैं इनको एक माध्यम बनाना चाहता हूँ। हमारे जनमानस में आज भी अंधविश्वास है। मैं चाहता हूं कि आम जनता तक विज्ञान पहुंचे और उनके अंदर एक वैज्ञानिक सोच पैदा हो, तो मैं विद्यार्थियों को इसका एक माध्यम बनाना चाहता हूं ताकि जन जन तक विज्ञान को पहुंचे। बहुत ही सरल और मजाकी अंदाज में बच्चों को विज्ञान से साक्षात्कार कराता हूं और इतनी लंबी कार्यशाला में बच्चों को बहुत आनंद आता है और सारे प्रयोग बच्चे खुद करके देखते हैं। उन यंत्रों को बच्चे अपने हाथ में लेकर के देखते हैं, स्टेथोस्कोप है, अपना BMI मीटर है, BP मीटर है, वो शुगर टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, ये सारे उनको ब्लड ग्रुपिंग सिखाते हैं हम और सारी विज्ञान की जानकारियां, विज्ञान के वो गूढ़ रहस्य, खासकर पर्यावरण पर आधारित बातें भी हम बच्चों से करते हैं। इस काम के लिए आप कोई शुल्क वगैरह देते हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल एक सेवा है मेरी, इसको कहा कि विद्यादान जो है मेरे पास, और मुझे सरकार पर्याप्त पेंशन देती है, मुझे और पैसों की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही दिलचस्पी के साथ, और जब मैं सेवा में था तब भी ये काम कर रहा हूँ, पिछले 40 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने देखा कि बच्चे काफी उत्साह के साथ इसको देख रहे थे, तो आपको लगा कि कहीं शिक्षा पद्धति में कोई बदलाव किया जा सकता है? आपने शासन से इस तरह से कोई बात रखी है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने करा, इसीलिए मुझे जिला प्रशासन भी सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण में आमंत्रित करता हूँ और हर विषय के शिक्षकों से मैं जाकर के शिक्षा गुणवत्ता और विज्ञान पर बात करता हूँ ताकि वो भी जाकर के बात करें। आप यहाँ 4 घंटे से बच्चे बैठे हुए, किसी ने छुट्टी नहीं मांगी, कोई जाने को तैयार नहीं है, तो अगर शिक्षण आपका अच्छा है, रोचक है, तो निश्चित है कि बच्चों को उसका लाभ भी मिलता है और बच्चे पूरे समय बैठते भी। जैसे आपने अंधविश्वास की बात की थी, इससे लग रहा है कि बच्चों को मेरा विज्ञान की कार्यशाला का एक दूसरा पड़ाव रहता है, सच तो कुछ और है ना। हम लोग अंधविश्वास के विरुद्ध काम करते हैं और उसके लिए मैंने करीब आज से 40 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों से प्रशिक्षण लिया था। तब से मैं गांव-गांव और स्कूलों में जाकर के कार्यक्रम देता हूं ताकि पूरा तांत्रिक क्रिया करके बताता हूं कि हर चमत्कार के पीछे विज्ञान छुपा हुआ है और ये विज्ञान 3 तरह से वो तांत्रिक बताता है, हाथ की सफाई, एक ड्रम और एक केमिकल रिएक्शन, बस ये 3 ही आधार जिससे वो गांव वालों को बेवकूफ बना के चला जाता है। तो हम बच्चों को माध्यम बना के गांव-गांव तक ये बात फैलाना चाहते हैं और अंधश्रद्धा निर्मूलन जिस प्रकार से महाराष्ट्र में काम हुआ वैसा काम मध्य प्रदेश में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।